हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मिस्टर आदि गोदरेज, चेयरमैन ऑफ गोदरेज ग्रुप. बात करेंगे हम इंडिया इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, गोदरेज ग्रुप कंपनीज और आउटलुक एंड ग्रोथ पैटर्न कैसे देख रहे हैं. मिस्टर गोदरेज, थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम के लिए. सबसे पहले सर हम बात करना चाहते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड और इंडिया जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज से गुजर रहा है, जो कंजम्पशन पैटर्न हम देख रहे हैं काफ़ी वर्क कर रहे हैं इन फेवर ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी. आपका क्या मानना है आगे चलकर ये साल हमारा कंजम्पशन पैटर्न कंटिन्यू इसी स्पीड और इसी गति से रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं? इस साल इकोनॉमी अच्छी तरह चलनी चाहिए. जीएसटी भी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया गया है, उससे भी मैं समझता हूँ कि ग्रोथ में बढ़ाई हुई है. और जनरली इकोनॉमी पिकअप कर रही है और कंजम्पशन बढ़ रहा है. हम देख सकते हैं सभी कंपनी के रिजल्ट्स आ गए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी तरह बढ़ोतरी रहेगी. ये जो पैटर्न सर देख रहे हैं हम कि कुछ पॉकेट्स में इतनी ग्रोथ नहीं दिखी जितनी होनी चाहिए, वो अक्रॉस द बोर्ड कब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि चीज़ें बेहतर होंगी? और क्या चैलेंजेस अभी भी आप देख रहे हैं इकोनॉमी में है? इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल एक कंसर्न है, बट इसके अलावा क्या आपको लगता है जो ग्रोथ के बीच आ सकती है? कुछ बहुत मैं नहीं समझता हूँ कि ग्रोथ के बीच में आएगा. कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो बीच में आ जाए तो कुछ हो सकता है, ट्रेड वॉर वगैरह. ओके, एंड रुपी की वीकनिंग जैसे अभी चल रही है उससे हमारे एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, बट इम्पोर्टर्स ऊपर नीचे तो चलते रहेगा. मैं नहीं समझता हूँ कि उससे खास कुछ ज्यादा फर्क पड़े. बट ये लेवल्स आपको लगता है दिस इज द लेवल दैट इज लाइकली टू बी या बट इफ यू लुक एट मेनी अदर करेंसीज वी आर स्टिल बेटर. बहुत कम हुआ है. जी जी, तो इतना बड़ा आपको चैलेंज नहीं देखना चाहिए. आप हम बोलते हैं जी तो करेंसी रुपी बहुत से करेंसी से स्ट्रांग है जी. डॉलर केवल नहीं देखना चाहिए. हाँ. क्यों? रुपी हम लोग हमेशा रुपी डॉलर देखते हैं जी. हाँ. रुपी पाउंड क्यों नहीं देखते हैं? रुपी यूरो क्यों नहीं देखते हैं? जी जी जी, ऑफ कोर्स. सो उस मामले में वी आर नॉट सो बैड जी. अगर हम ये जो ग्रोथ के बीच में रेट हाइक्स जो आए हैं हमने देखा, आरबीआई ने अभी बढ़ाया, इन्फ्लेशन को टेम करने की कोशिश की जा रही है, एज अ कॉर्पोरेट आपको ये आप इसको कैसे देखते हैं ये चीज़? क्योंकि आगे आने वाले समय में भी इन्फ्लेशन बढ़ने की बात कर रहे हैं सब, तो वो भी एक यू नो इम्पेडिमेंट है ग्रोथ के को रखते हुए. वो तो बीच में काफ़ी रेट्स घटाए थे, अब थोड़े बड़े हैं. इन्फ्लेशन कंटेन करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये ठीक रहा है. आप ओके, वो उसका आपको ज़्यादा मतलब यू नो नहीं, क्योंकि हमारा बोरोइंग रेट अब भी, क्योंकि हमारी कंपनीज के डेट इक्विटी रेशियोज अच्छे हैं, हमारा बोरोइंग रेट का काफ़ी लो है. ओके सर, मैं आपसे जो कंजम्पशन स्टोरी की बात करी थी, अर्बन एंड रूरल में अगर हम ये पैटर्न देखें, रूरल में अच्छी ग्रोथ दिखी थी, अर्बन का फिर भी इतना टर्न अराउंड नहीं हुआ है. आपको कब लगता है जब अर्बन विल ऑल्सो स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ स्टोरी? अर्बन भी ग्रोथ अच्छा हो रहा है. बीच में ऐसा लग रहा था कि रूरल कम होगा, लेकिन अब रूरल भी अच्छी तरह बढ़ रहा है. और मॉनसून का जो इम्पैक्ट हमें, मॉनसून अच्छी तरह चल रहा है, ज्यादा ही अच्छा हो गया, तो उसके अप एंड डाउन तो रहेगा. हाँ. अभी देखना है, कंप्लीट मॉनसून होगा सितंबर एंड में, तभी पता चलेगा पूरा. एग्री बिजनेस, क्योंकि उसमें आपका बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान है, उसमें आपका क्या आउटलुक है जिस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और ग्रोथ प्लान्स शॉर्ट आउट किए, चाहे वो एग्रोवेट हो और भी आपके जो हम ऑप्टिमिस्टिक है. हमारा गोदरेज एग्रोवेट का पब्लिक इशू हुआ था अक्टूबर में. हम ऑप्टिमिस्टिक है कि ग्रोथ अच्छा रहेगा और गवर्नमेंट भी काफ़ी अटेंशन पे कर रहे हैं एग्री ग्रोथ में. फार्मर्स इनकम पे भी काफ़ी अटेंशन गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अच्छी तरह एग्री प्रोग्रेस रहेगा. कंज्यूमर ग्रोथ तो हम बात कर रहे हैं और उसका हम आउटपुट भी देख रहे हैं इन द वे आपके स्टॉक प्राइस भी जिस हिसाब से पॉजिटिवली लोग उसको यू नो उसकी स्ट्रेंथ देख पाते हैं.
गोदरेज प्रॉपर्टी सर, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट बिजनेस, बिकॉज आप हमेशा से बहुत बुलिश रहे हैं इस बिजनेस पे और उसकी ग्रोथ पे, और आप कहते हैं कि वो एक बहुत स्ट्रांग ग्रोथ ड्राइवर रहेगा इन द फ्यूचर. फिलहाल हमने जैसे फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स देखे तो उसमें सबड्यूड रहा नंबर, काफ़ी प्रॉफिट हिट हुआ है, तो आपको उसका आउटलुक कैसा? हर एक क्वार्टर नहीं देखना चाहिए जी, क्वार्टर में चेंज होते हैं जी, क्योंकि बुकिंग कैसे पैन आउट हुआ है, कैसे कंप्लीशन हुआ है. अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेटेड है रियल एस्टेट में, राइट. अकाउंटिंग में भी चेंजेस लाए गए हैं 1 अप्रैल से, करेक्ट. उससे भी इम्पैक्ट फर्क पड़ रहा है. सारे साल का देखना चाहिए. हम समझते हैं कि हमारा रियल एस्टेट बिजनेस बहुत अच्छी तरह बढ़ेगा. लास्ट ईयर गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए बेस्ट एवर ईयर था सभी क्राइटेरिया में, और हम समझते हैं कि आगे बढ़ते भी बहुत अच्छी तरह बढ़ेगा. श्योर. बट ये जो न्यू बुकिंग्स में कमी आई या देखी, ये आपको कितना बॉदर करेगी? बिकॉज अभी क्या कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि लोग बुकिंग बढ़ेगा? या रियल एस्टेट जनरली एक सेक्टर जो कि एक थोड़ा टफ फेज देख चुका है, अभी भी पूरी तरह से रिकवरी पिकअप नहीं आया. नहीं, अकाउंटिंग चेंजेस से भी उसमें फर्क पड़ा है, क्योंकि 1 अप्रैल से रियल एस्टेट कंपनीज के अकाउंटिंग चेंजेस लाए गए, करेक्ट. उससे भी फर्क पड़ा है और साल अच्छी तरह जाएगा. बट हाँ, अकाउंटिंग एक फैक्टर था सर, बट मैं चाह रही हूँ समझना कि आपको रिकवरी इन द रियल एस्टेट सेक्टर कब दिख रही है, क्योंकि पूरे ही सेक्टर काफ़ी सबड्यूड था, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं था, प्राइसेस अभी भी काफ़ी हाई हैं, नीचे नहीं आए. रेरा ऑफ कोर्स जारी किया गया गवर्नमेंट के एंड से, तो सेक्टर का आपका क्या? प्राइसेस कैसे नीचे आएंगे? कॉस्ट नहीं नीचे आ रहे हैं, प्राइसेस कैसे नहीं आएंगे? बराबर है. मैं नहीं समझता हूँ क्या आएंगे, और मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ मार्केट में कुछ खास प्रॉब्लम आए. लास्ट ईयर जैसे मैंने कहा, हमारा बेस्ट एवर ईयर था. बिल्कुल. तो वही, इसीलिए आपको उम्मीद है कि ये वापस हम रिकवर करेंगे, आगे बढ़ते भी अच्छी तरह चलेगा जी, और एक दो क्वार्टर इधर उधर नहीं देखना चाहिए. अफोर्डेबल हाउसिंग में सर आपका कितना योगदान रहा है अब तक? बिकॉज आप ज्यादातर प्रीमियम में हमेशा रहे हैं. मिडिल इनकम में भी है. अफोर्डेबल का डेफिनेशन जैसे गवर्नमेंट कर रहे हैं, ऐसा उसमें भी हमारा थोड़ा प्रेजेंस है, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि हम बड़े शहरों में हैं, वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग ज़रा डिफिकल्ट पड़ता है. डिफेंस क्योंकि एक और एरिया है जहाँ आप कंपोनेंट सप्लायर के रूप में हैं, और भी आपने अभी रिसेंटली एक साइन अप किया है यूके बेस्ड कंपनी के साथ मैन्युफैक्चरिंग का. क्या आपका आउटलुक है उस बिजनेस को लेकर? अच्छा आउटलुक है. डिफेंस सप्लाई, स्पेस सप्लाई, न्यूक्लियर सप्लाई, उसका भी बिजनेस अच्छी तरह बढ़ रहा है. ओके. बट सर, ये अभी भी कॉर्पोरेट इंडिया में एक समहाउ एक फीलिंग है कि एक्सपेंशन या इन्वेस्टमेंट्स में रिलक्टेंस है. पीपल आर नॉट स्टिल 100% गंग हो, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं जो पहुँचने चाहिए लेवल्स. आपको, आप एज अ कॉर्पोरेट इंडिया कितने कॉन्फिडेंट फील करते हैं इंडिया की स्टोरी को लेके, इन द सेंस टू कमिट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स? इसमें दो तीन चीज याद रखनी चाहिए जी. एक, लोग नई कैपेसिटी करने के ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं कि किस तरह एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में बढ़ोतरी हो सके, करेक्ट सर, बैलेंसिंग इक्विपमेंट वगैरह उससे अच्छी तरह बढ़ रहा है. इसलिए प्रोडक्टिविटी भी इंडिया में अच्छी तरह बढ़ रही है. तो वो हो रहा है. जब भी डिमांड बढ़ेगा तब जरूर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा. अभी इंडस्ट्री देखनी चाहिए. स्टील है, माइनिंग है, जहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड लगते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 9 महीने में नई कैपेसिटी आ सकती है. तो पहले से प्लान करने की क्या जरूरत है? जैसी जरूरत होगी ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, करेक्ट. तो आपका तो, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस में इट्स नॉट सच अ लॉन्ग जेस्टेशन एज यू सेड, बट डिफेंस के जैसे स्कोप हुआ, मेक इन इंडिया प्लान में आप कितना कंट्रीब्यूट करना? जितना जरूरत पड़ेगा ऐसा करेंगे, लेकिन हमारा ज्यादातर बिजनेस है कंज्यूमर पर जी, और कंज्यूमर रिलेटेड ही फोकस है, ड्यूरेबल या कंज्यूमर सेंट्रिक जी. मैंने ये लास्ट टाइम भी सर आपसे जब भी बात करती हूँ पूछती हूँ साल में एक बार कि ये ईयर जितना स्ट्रांगली हमने लास्ट ईयर देखा, इस साल ग्रोथ पैटर्न आपको
अलग अलग बिजनेसेस में किधर लगता है आपका ज्यादा कंट्रीब्यूशन और ज्यादा रिटर्न्स आएंगे? मोर ऑर लेस सब बिजनेस अच्छी तरह बढ़ रहे हैं जी। कोई एक बिजनेस जहां आप देख रहे हैं वो आपकी GCPL अच्छी तरह बढ़ रहा है, गोदरेज एग्रोवेट अच्छी तरह बढ़ रहा है इस साल जी, ये दोनों में आपके स्ट्रॉन्ग आउटलुक है। ग्रोथ ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर कौन से आपके ज्यादातर रिटर्न देंगे अच्छे लॉन्ग टर्म में? हम समझते हैं कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का फ्यूचर अच्छा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी फ्यूचर अच्छा है, सभी हमारे बिजनेस के फ्यूचर अच्छे लगते हैं। अभी स्टॉक मार्केट भी देखो तो हमारे स्टॉक्स एक साल पहले से कंपेयर करो तो काफी बड़े हुए सारी कंपनीज जो जो लिस्टेड है बराबर। सर क्योंकि आप एक बड़े कंग्लोमरेट हैं और आपके अलग अलग बिजनेसेस हैं, कोई ऐसा बिजनेस वेयर यू थिंक आपके एक नेचुरल फिट हो आपके करंट स्कीम ऑफ थिंग्स में? जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो तो ग्रो करेंगे ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली, बट कुछ और नया बिजनेस एवेन्यू? हम खास नए बिजनेस में नहीं देख रहे क्योंकि ऑलरेडी हम काफी बिजनेसों में स्प्रेड है और एडजेसेंसीज में जरूर जाएंगे हाँ। और वो कर रहे हैं, नए सिमिलर प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वगैरह जी। इन्वेस्टमेंट सर ओवरऑल ग्रुप के आप टोटल कितना हम मानते हैं? कैपिटल इंटेंसिव नहीं है काफी, तो हम इन्वेस्टमेंट जैसे जरूरत पड़ती है ऐसे प्लान। ये गवर्नमेंट के 5 साल पूरे हो रहे हैं, बहुत रिफॉर्म्स आए, बहुत कुछ हुआ, डीमोनेटाइजेशन, GST, बहुत प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए पूरे 5 सालों में। आपके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर अपार्ट फ्रॉम GST सर क्या इफेक्टिव रहा है और क्या नहीं हुआ है जो आप होप करेंगे कि गवर्नमेंट जो भी आए नेक्स्ट टाइम वो उनको देखे? तो काफ़ी रिफॉर्म हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। ऑफकोर्स GST मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा रिफॉर्म है, हाँ। उससे बहुत फायदा रहेगा इकॉनमी। हम देखते हैं कि अभी GST सेटल डाउन हुआ तो GDP ग्रोथ भी अच्छी तरह जनवरी मार्च में 7.5% बढ़ा है और सब प्रिडिक्शंस है कि इस साल भी ग्रोथ 7.5% हो जाएगा हाँ। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह ये रिफॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं और इससे लॉन्ग टर्म भी इंडिया ऑलरेडी फास्टेस्ट ग्रोइंग दुनिया की इकॉनमी हुई है, लॉन्ग टर्म में भी इंडिया का ग्रोथ अच्छा रहेगा। आज आप GDP बाय परचेसिंग पावर पैरिटी मेजर करो जी तो इंडिया ऑलरेडी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, चाइना नंबर 1 है, US नंबर 2 है और इंडिया नंबर 3 है, जापान को हमने सरपास किया है और PPP परचेसिंग पावर पैरिटी GDP सबसे अच्छी तरह कैलकुलेशन करने के लिए है क्योंकि इंडिया में सब दामे कम है तो PPP से एक रियल वैल्यू इकोनॉमी की ट्रू साइज मेजर होती है। तो ये तो अच्छी बात है सर। आप क्या चाहते हैं जो नेक्स्ट गवर्नमेंट, यू नो बिकॉज हमारी इतनी पोटेंशियल है, हमारी पॉपुलेशन इज आवर स्ट्रेंथ, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए टू प्रोपेल दिस ग्रोथ जो अगले लेवल तक हमें ले जाए? तो पहले तो ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज होनी चाहिए जी, टैक्स रेट्स ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये बहुत अच्छा किया है कि GST में भी काफी टैक्स रेट्स कम किए हैं और आगे भी उम्मीद है करने वाले हैं कम जी, और हमने सब ये पास ऑन किया है कंज्यूमर्स को, उससे हम देखते हैं कि कंज्यूमर डिमांड काफी बढ़ गया है और उन गवर्नमेंट का कलेक्शन भी बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। ये कोई पॉलिटिशियंस की और कोई इकोनॉमिस्ट का व्यू रहता है टैक्स बढ़ाओ तो उससे बिजनेस अच्छी तरह नहीं चल सकता है, और जो बिजनेस अच्छी तरह नहीं चलेगा तो इकोनॉमी अच्छी तरह नहीं चलेगी। बराबर है। सो कॉर्पोरेट टैक्स में सर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था लास्ट टाइम बजट में नहीं आया, उसमें भी थोड़ा कम किया है, लेकिन कम किया है छोटी कंपनियों पे, हाँ बड़ी कंपनी वो ठीक नहीं है। अनाउंस किया था कि सब कंपनी पे कम करेंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वो जो इम्प्लीमेंट करे तो फायदा रहेगा हाँ, तो वो नहीं हुआ है, शायद वो आप चाहेंगे कि अगली बार हाँ। जी फिस्कल डेफिसिट टारगेट सर सब लोग बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं कैसे मीट होगा, ऑफकोर्स गवर्नमेंट को भी ऑफकोर्स कॉग्निसेंट की ये करना है, बट आपके हिसाब से वो चैलेंज बड़ा चैलेंज रहेगा गवर्नमेंट के लिए? मुझे लगता है कि रेवेन्यू अच्छी तरह बढ़ रही है,
जीएसटी रेवेन्यू भी अच्छी तरह बढ़ रही है, रेवेन्यू आ जाएगी, आ जाएगी। फ्रूट के दाम का ऑलवेज इज यू नो बिकॉज वी आर अ नेट इम्पोर्टर, तो उससे हमारा बड़ा यू नो ये रहता है, तो उस पर आपका क्या व्यू है क्रूड प्राइसेस को लेके? आपको बीच में लग रहा था कि क्रूड के दाम शायद ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसके बाद ओपेक ने मीटिंग करके प्रोडक्शन बढ़ाने की डिसीजन ली, उससे थोड़ा दाम कम हुए हैं, अब लगभग $70 पर बैरल के दाम है। मैं समझता हूँ कि इस रेंज में रहेगा और उससे कुछ इंडिया को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। श्योर सर, मेरे लास्ट दो सवाल, पहला ये कि ये डिजिटल एंड टेक मूव से और पूरा द इकोनॉमी इज यू नो द वे वी डू बिजनेस एंड हमारे पूरे बिहेवियरल चेंजेस जो आ रहे हैं टू कंज्यूम थिंग्स हो रहे हैं, गोदरेज ग्रुप कैसे गियर अप कर रहा है सर टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड ऑल्सो जो ब्रिक एंड मोर्टार वर्सेज ऑनलाइन सेल्स रहता है द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आप उसको कैसे देखते? बहुत इम्प्लीमेंट किया है डिजिटाइजेशन, खास करके मार्केट रिसर्च में, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने में हम काफ़ी वापर रहे हैं। हम इंडिया की अबाउट वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज ERP इम्प्लीमेंटेशन किया था कई साल पहले जी, उससे बहुत फायदा रहा है, तो हमारा बहुत ध्यान है डिजिटाइजेशन पे और उससे बहुत फायदा होगा कंपनियों को भी और गवर्नमेंट को भी और देश को भी। ओके एंड फाइनली सर, ऑर्गेनिक तो आप ग्रो कर ही रहे हैं, इनऑर्गेनिक भी आप बीच बीच में बड़े अच्छे एसेट्स देख के ऐड करते हैं अपने किटी और पोर्टफोलियो में, किस बिजनेस में आपको लगता है ज़रूरत है इस टाइम एक सेकेंड जो ग्रोथ लेने के लिए, और किस एरिया में डू यू थिंक अपॉर्चुनिटीज हैं? हम जहाँ भी पॉसिबिलिटीज है हमेशा देखते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ की, खास करके मैं समझता हूँ कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गोदरेज एग्रोवेट में उसकी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहेगी। सो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कई एक्विजिशंस किए हैं, खास करके इंटरनेशनल एक्विजिशंस, गोदरेज एग्रोवेट में भी 2-3 एक्विजिशंस किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये दो बिजनेस में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहेगी, पर जहाँ भी पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं और कहीं भी ना नहीं कह देते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजिक होगा तो ही इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपके साथ बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके, ऑल द वेरी बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन एंड न्यू पोजीशन। थैंक यू वेरी मच सर।